हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपन ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो माय नेम इज़ प्रिया महाजन एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड जो लोग इस चैनल में न्यू हैं, सो मैं वीडियो बनाती हूँ लंदन लाइफ को लेकर एज अ इमिग्रेंट एंड आई एम अ मदर। सो हम उस परस्पेक्टिव से भी वीडियोस बनाते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर अ चाइल्ड और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं चिल्ड्रंस को, वट एवर लाइक स्कूल एडमिशन्स और समथिंग। सो यू विल फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इन दिस चैनल। सो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो आज जो है, आज का टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 2.5 साल पहले आई थी तो आई मेड मैनी मिस्टेक्स ऑन लाइक कौन सा सामान कहाँ से लेना है, क्योंकि जब आप न्यू कंट्री में आते हो आपको नहीं पता होता। एंड जब आप बिल्कुल न्यू होते हो एंड देयर ओनली फ्यू पीपल हु नो यू, और वो भी न्यू ही थे, सो हमारे पास इतनी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि कौन सा सामान कहाँ से लेना चाहिए। सो मैं जो भी शॉप्स दिखती थी आसपास हम वहाँ से ले लेते थे, जिससे क्या हुआ कि अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जो हमने उस टाइम सामान खरीदा वो अप्रॉक्स डबल रेट में हम खरीदते थे। एंड जब अब यहाँ पर और लोग आते हैं, लाइक मेरे कज़न्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या फिर जो स्किल पे भी आ रहे हैं, दोज पीपल आर ऑल्सो डूइंग सेम मिस्टेक्स। कई बार मैं शॉप्स पे देखती हूँ, दे आर पेइंग मोर, दे आर पेइंग डबल। एंड आई थिंक यू शुड नो कि कौन सी डील्स कब हैं, कौन सी शॉप पे आपको क्या डिस्काउंट मिल सकता है, क्या आपको डील मिल सकती है। एंड आज हम ओनली ग्रॉसरी नहीं, इवन क्लोथिंग और बच्चों का सामान कहाँ से ख़रीदें, बच्चों के टॉयज कहाँ से ख़रीदें, ग्रॉसरी आपको कहाँ से सस्ती मिल सकती है, मैं शॉप्स के नाम बताऊँगी, प्लस आप वहाँ पे उन शॉप्स पे जा जा के कौन कौन से सेक्शन में देख सकते हो जहाँ पे आपको ईजीली सस्ता सामान मिलेगा। सो यही है आज का ओवरऑल टॉपिक। एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो आज मैं पॉइंट्स नोट किए हैं, आई एम रियलाइजिंग अगर ये मुझे पता होते तो आई हैव सेव्ड टन ऑफ पाउंड्स, बट नो वरीज, इट्स नेवर टू लेट। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो या, सो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉसरी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंडियंस को इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फर्स्टली ये प्रॉब्लम कि इंडियन ग्रॉसरी कहाँ से मिलेगी, सेकंड कि एटलीस्ट कुछ खाने लायक कहाँ से मिलेगी, थर्ड सस्ती कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप किसी भी रोड पे निकलो वहाँ पे एन नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं जो कि सुपर स्टोर हैं, प्लस कई लोगों ने अपनी लोकल शॉप्स खोली हुई हैं एज अ बिजनेस। सो उन सब में जो है बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है कि कौन सी शॉप पे क्या ख़रीदें, क्या सस्ता मिलेगा। सो आज सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉसरी की। सो ग्रॉसरी इज़ लाइक यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस यूके में। आपको फर्स्टली मैं बोलना चाहती हूँ, आपको लोकल शॉप पे जाने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सुपर स्टोर भी चले जाओ, एंड सुपर स्टोर्स आर बीइंग वेरी स्मार्ट दीज डेज, उनको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो अब इंडियन सामान बहुत ज़्यादा जो है आपको सुपर स्टोर पर भी मिल जाएगा। सुपर स्टोर क्या है? टेस्को, ऑल्डी, लीडल, एस्टा, सेंसबरी एंड कोस्टको। कोस्टको आई थिंक आपको इजीली इतना नहीं मिलेगा आसपास। कोस्टको का एक अलग मार्केट स्ट्रेटजी है कि सब कुछ होल सेल में बेचना, बट अगर उसके अलावा जो मैंने 5-6 नाम दिए, अगर आपको ये भी मिल जाए, दैट आर लाइक दीज आर द मनी सेवर्स सुपर स्टोर। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्को। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको इन सुपर स्टोर पे जाना है। आप किसी भी एरिया में रहिए, ट्रस्ट मी, आपके घर के पास विद इन 1-3 miles आपको ये दो स्टोर्स जो हैं इनमें से 2-3 स्टोर्स आपको मिल जाएंगे। लाइक अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मुझे 1 और 1.5 mile पे टेस्को भी है और ओल्डी भी है। सो मुझे इजीली ये दो जो स्टोर्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा और दूर जाती हूँ, मेरे पास सेंसबरी भी है। सो आपको ऐसा नहीं कि किस, मुझे लगता है बहुत ही रेयर होगा कि किसी का विद इन 5 miles ये स्टोर्स जो नहीं होंगे। अगर आप एक 1.75 pound की बस भी लेके जाते हो तो आपको इजीली ये स्टोर मिल जाएंगे। अगर मैं टेस्को की बात करूँ, जब आप टेस्को में जाते हो
वहाँ पे आपको आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो। जब भी आप टेस्को में जाओगे आपको जगह जगह दिखेगा कि प्राइस लिखा हुआ है, कईयों पे येलो प्राइस लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है क्लब कार्ड प्राइस। क्लब कार्ड क्या है कि आप टेस्को के कस्टमर बन जाते हो एंड आप अगर आपके पास वो कार्ड है तो आपको हर दूसरी चीज़ पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कॉस्टको जो है मार्किंग स्ट्रेटेजी अलग है, आपको पे करना पड़ता है उसके कार्ड के लिए। फिर आपको एक 60-70 pounds का आई थिंक उसका कार्ड है ईयरली, एंड फिर आपको एक जो भी चीज़ है वो आपको बल्क में लेनी पड़ेंगी। बट टेस्को ऑल्डी में ऐसा नहीं है, आप अगर एक सेब भी उठा लेते हो आप वो भी पे करके घर आ सकते हो। सो अगर फॉर एग्जांपल आप टेस्को में जाते हो क्लब कार्ड का सेक्शन ढूंढिए। सेकंड, अगर आपको इंडियन ग्रॉसरी लेनी है तो वहाँ पे एक वर्ल्ड फूड का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा, दालें, आटा, चावल, मसाले, पापड़, मीन्स यू जस्ट नेम द थिंग और वो आपको वहाँ पे मिलेगी। ये दो ऑप्शंस हैं। थर्ड ऑप्शन ये है, कई बार ये हर स्टोर के लिए है, क्लोथिंग के लिए, टॉयज़ के लिए, या फिर आपको ग्रॉसरी लेनी है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रिडक्शन का एक सेक्शन बना देते हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि जो आइटम आज या कल में एक्सपायर होने वाली है, लाइक यहाँ पर क्या होता है कि आप फ्रूट का भी कोई पैकेट उठाते हो उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, बट आई डोंट थिंक कि अगर आप आज वाला ले लोगे तो उसमें कुछ होगा, जैसे आज एक्सपायर हो रहा है या कल एक्सपायर हो रहा है, तो उसके अमाउंट में एटलीस्ट 50% ये ऑफ कर देते हैं ताकि वो जल्दी से बिके एंड लोग यूज़ कर ले। सो दैट्स अ वेरी गुड डील। तो कई लोग यहाँ पे वही चीज़ें उठाते हैं जो रिडक्शंस में पड़ी हों। सेकेंड, लाइक आप प्राइमार्क वगैरह जाते हो वहाँ पर भी कपड़ों में क्या होता है, जैसे अगर विंटर्स आने वाली हैं तो जो समर्स के कपड़े हैं वो कुछ रिडक्शंस में डाल देते हैं, अगर समर्स आने वाली है तो विंटर्स के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रिडक्शंस में डाल देते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। लाइक मैंने एक जैकेट ली थी वो 25 pounds की थी, जो कि उस टाइम पे 6-7 pounds में जो उन्होंने रिडक्शंस पे लगा रखी थी। मे बी वहाँ पे कुछ फॉल्ट हो, कोई धागा निकला हो, बट हु केयर्स। सो इस तरह की डील्स जो हैं आपको टेस्को, ऑल्डी या फिर प्राइमार्क, इन सब जगहों पे मिल जाती है। सेकेंड आता है कि अगर आपको बच्चों के लिए कुछ लेना, लाइक आपको कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप कौन सी शॉप से सामान ले सकते हो। फर्स्ट इज़ टेस्को ही। टेस्को में जो अगर बड़े वाला स्टोर है, अब यहाँ पे दो तरह के स्टोर्स होते हैं ग्रॉसरी, एक तो फुल स्टोर होता है जो कि डबल ट्रिपल फ्लोर्स पे होता है, एक होता है जिसके आगे लोकल लिखा होता है, जैसे टेस्को लोकल, सैंसबरी लोकल, आई डोंट नो एस्टा और लिटिल का ऐसा होता है या नहीं। उसमें क्या होता है कि वो लाइक या तो पेट्रोल पंप के पास होंगे, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट होता है लाइक सामान, जैसे ऐसा नहीं कि वहाँ पे जैसे मैंने बोला वर्ल्ड फूड में आटा चावल सब मिल जाएगा, उस वाले टेस्को में आपको नहीं मिलेगा। तो उस पर आप देखना ज़रूर, उस पर लोकल लिखा होगा, उस पर भी आपको प्राइजेस सेम मिलेंगे बट उसमें थोड़ी सी सामान कम होता है क्योंकि वो साइज़ में छोटा होता है। सो अगर आपको आपको बड़े वाला अगर टेस्को मिल जाता है, वो भी आपका विदिन 5 miles ज़रूर होगा, अगर टेस्को नहीं होगा सेंसबरी होगा, नहीं तो एस्डा होगा, लीडर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अगर आपको वो मिल जाता है तो वहाँ पर आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको बर्थडे के सामान भी मिल जाएंगे, टॉयज़ भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आप वहाँ पर देखिए कि क्या सामान मिल रहा है, क्या रेट मिल रहा है टॉयज़ का या फिर बर्थडेज़ के, आपको हैप्पी बर्थडे वाले कुछ हैंगर्स लेने हैं या फिर डेकोरेशन का कुछ सामान लेना है। उसके बाद आप पाउंडलैंड सर्च करिए, आपके घर के पास अगर पाउंडलैंड हो तो आप वो सर्च करिए, वहाँ पर आपको सब सामान मिल जाता है। डेकोरेशन का सामान टेस्को के कंपैरिजन में पाउंडलैंड में सस्ता होता है। सो आप ये स्टोर भी सर्च कर सकते हो। लाइक अगर हमें कुछ पार्टी करनी होती है, यहाँ पर क्या है कि अगर आप 10-20 लोगों को कुछ पार्टी करते हो आप बाहर नहीं कर सकते क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको घर पे करना है। उसके लिए आप अवॉइड करते हो कि आपके पास ज़्यादा बर्तन ना हो जाए धोने वाले, तो आप डिस्पोजल यूज़ करते हो। फिर आपको पार्टी पॉपर्स चाहिए, बैलून्स चाहिए, डेकोरेशन का कुछ चाहिए, सो आप सब कुछ वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको डेकोरेशन की कोई थीम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ्रोजन करनी है या फिर पेपा पिग या फिर कोको मेलन, सो आप क्या कर सकते हो, अमेज़ोन पे भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अमेज़ोन पे भी काफ़ी अच्छी जो डील्स हैं वो आपको मिलती हैं। थर्ड चीज़ है क्लोथिंग।
सो क्लोदिंग के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप बच्चों के कपड़े ले रहे हो तो आप प्राइमार्क जाइए, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे होते रहते हैं. सो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप नेक से खरीद रहे हो, मार्क एंड स्पेंसर से खरीद रहे हो. वंस इन अ वाइल यू कैन डू शॉपिंग वहाँ से, बट मोस्टली आप प्राइमार्क से करिए. एंड पाउंडलैंड में भी, अभी जब मैं अपनी बेटी की बर्थडे के लिए शॉपिंग कर रही थी तो पाउंडलैंड में भी काफ़ी अच्छी डील्स थी कपड़ों की. सो अगर आपको नाइट सूट लेना है, जो आपको पता है कि धो के वैसे भी ख़राब ही होना है, तो आप सस्ता अगर आपको लेना है तो पाउंडलैंड, प्राइमार्क, आपको सब कुछ मिल जाएगा. प्राइमार्क की क्वालिटी पाउंडलैंड से काफ़ी बेटर है. प्राइमार्क इज़ अ लाइक वेरी गुड डील, लाइक अगर आपको अच्छा कपड़ा भी पहनना है, थोड़ा सस्ता भी लेना है, सो आपको प्राइमार्क में वो सब मिल जाएगा. एंड या सो आई थिंक इन सब में अगर मैं ग्रॉसरी स्टोर की बात करूँ, सबसे सस्ता ग्रॉसरी स्टोर है ओल्डी. अगर आप टेस्को में भी जाएंगे, वहाँ पर भी बोर्ड लगे होते हैं अल्डी प्राइस मैच, दैट मीन्स कि अल्डी के रेट जो है वो टेस्को से भी कम है. सो अगर आपको अल्डी मिल जाता है आपके घर के पास, उससे बेटर कुछ भी नहीं है. मैं यही बोलूँगी कि जो आपकी लोकल शॉप्स हैं, जो जैसे बिजनेस एज अ बिजनेस खोली हुई हैं, वी शुड सपोर्ट देम. लेकिन यहाँ पर जो है उन शॉप्स पे डबल रेट मिलता है. लाइक जब हम आए थे तो हमारे यहाँ पे एक दो शॉप्स थी जो टॉयज देते थे, या फिर जैसे कोई बाल्टी लेनी है, जैसे हमें तो एज ए इंडियन ये चीज़ें चाहिए होती है, सो वहाँ पर जो है हमें डबल डबल रेट पे सामान जो है शुरू में दो तीन चीज़ें ली. बट अब मैं देखती हूँ कि इवन आपको बाल्टी, मग, ये भी चीज़ें जो है आपको ओल्डी, टेस्को या फिर वल्को, इन सब में ये सब सामान मिल जाता है. फर्स्टली आप ऑनलाइन सर्च करिए, लाइक अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक वाइपर लेना है, जैसे लिखिए वाइपर ओल्डी, वाइपर टेस्को, तो आपको पता चल जाएगा कि इन स्टोर्स पे क्या ये मिलता है. अगर आपको मिलता है तो दैट मीन्स आप जाके भी ले सकते हो. अगर आपको इन स्टोर्स पे वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, तब आप जो आपके घर के पास लोकल शॉप्स हैं उन पे जा सकते हो. यहाँ पर इंडियंस को लोकल शॉप पे जाने की तब ज़रूरत पड़ती है, लाइक अगर आपको एक हार्डकोर इंडियन सामान चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से आपको करेले चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो आपको इंडियन शॉप पे जाना पड़ेगा. या फिर आपको कोई पर्टिकुलर मसाला चाहिए, लाइक सांभर मसाला चाहिए, कड़ी पत्ता चाहिए, ये चीज़ें मे बी कम अवेलेबल हों इन स्टोर्स पे. बट अदर देन दिस, इवन बैंगन भी आपको टेस्को या अल्डी में मिल जाता है, मूली मिल जाती है, अदरक लहसुन सब मिल जाता है. सो फर्स्ट चॉइस जो है वो हमेशा होनी चाहिए आपकी सुपर स्टोर, उसके बाद जो है आप लोकल स्टोर पे जाइए. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप शुरू में आते हो, शुरू में वन मंथ जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप और चीज़ें भी रजिस्टर कर रहे होते हो, NHS एंड स्कूल्स एंड एवरीथिंग. उस एक मंथ में यू कैन ग्रैब स्मॉलर स्मॉलर थिंग. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर आप एक टमाटर भी कहीं से ले लेते हो, आपको कोई कुछ ऐसे हैरान होकर नहीं देखेगा कि आपको एक टमाटर खरीदना है. यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको एक किलो चीज़ ही लेनी है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि अगर आपको दूर नहीं जाना, तो अगर आपको लोकल कुछ मिल रहा है और आपको अभी अभी के लिए चाहिए, या फिर आपको टाइम नहीं है, तो देन यू कैन ग्रैब दोज थिंग्स एंड डू द पेमेंट. सो या ये थे थोड़े से मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स. एंड अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, आप न्यू हो इस कंट्री में या आने वाले हो, आपको कोई भी डाउट है बच्चों को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, रजिस्टर कैसे करना है, या अपने कम्यूट को लेके, ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर द कमेंट्स. सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी. एंड अगर आपको हेल्प करे, और या फिर आपके किसी फ्रेंड को आना है, या फिर उनके साथ आप शेयर करना चाहते हो, देन यू कैन शेयर. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ आई हैव एडेड अ सिंगल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और वैल्यू टू योर लाइफ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय बाय.